विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख एवं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शाडेल्य ने आज फरीदाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए कृष्ण ठाकुर को विश्व हिंदू तत्व का राष्ट्रीय प्रचारक और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सनातन को मजबूत करने की बात कहते हुए कहा कि सनातनियों को चुनाव में उतर कर संसद में पहुँच कर सनातन को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने पुरुष आयोग बनाने की भी मांग रखते हुए कहा कि यौन शोषण के झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कहा, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। के वीरेश भाई मेरे छोटे भाई हैं और जो भी मुझे जिम्मेवारी दी है, वैसे तो आप लोग मुझे सब जानते हैं, 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो जो मुझे जिम्मेवारी दी है अपने जिले में भी और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद करीब सड़क बीच में है, तो सनातन का प्रचार करूंगा और मजबूत करूंगा। विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां हमने ठाकुर किशन सिंह को विश्व हिंदू तख्त का राष्ट्रीय प्रचारक और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। वहीं ऐसे सनातनियों को अगर जरूरत पड़ी तो विश्व हिंदू तख्त अपने समर्थन से चुनाव में उतारकर सनातन को और मजबूत करने की, ताकि ये पार्लियामेंट में जाकर देश की सनातन को मजबूत करने की मुहिम उठाएं, क्योंकि सनातन को मजबूत करने के लिए इस कलयुग में हमारे लोगों को, राजनीतिक संतों को भी और ऐसे लोगों को भी पार्लियामेंट में जाना चाहिए, उस वहां जाकर मांग करनी चाहिए। वहीं मैंने एक पुरुष आयोग बनाने की आज फरीदाबाद की धरती से मांग की। और एक जो खालिस्तान की बात करते हैं, जो कहते हैं कि पंजाब को खालिस्तान बनाएंगे, ये देश के तिरंगे के खिलाफ आवाज है, ये देश के संविधान के खिलाफ आवाज है। हमें इसके खिलाफ जो है अमित शाह जी को हम ज्ञापन देंगे कि इसको लेकर जो है एक ऐसा कानून संसद में लाएगी जो खालिस्तान की बात करेगा वो टिल डेथ जेल में रहेगा। इस मुल्क के अंदर भगत सिंह के इस झंडे को अगर कोई आंख दिखाएगा, उसकी आंख निकालने का काम विश्व हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट इंडिया करेगी। ये झंडा बड़ी कुर्बानियों से और फांसी के पर चढ़कर मिला है, इसलिए इसकी तरफ देखने वाले का हशर बुरा करेंगे। और वहीं हम जल्दी हजारों संतों की मौजूदगी में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक सनातन बचाओ यात्रा निकालेंगे, जो संतों के नेतृत्व में होगी। और आज सनातन से आह्वान करता हूं मैं कि तिलक लगाएं माथे पर, शिखर रखें, जनेऊ पाएं और एक दिन अपने इष्ट देवता के मंदिरों में जाएं। और वहां हमारे हिंदुस्तान में लाखों मंदिर हैं, अगर एक मंदिर में 100 लोग भी जाएं तो करोड़ों लोग एक दिन में माथा टेकेंगे, शंख बजाएंगे, ध्वनिया घंटों की ध्वनियां बजेंगी, जिससे हमारी सनातन संस्कृति मजबूत होगी। तो ये आज की हमारी मुख्य एजेंडा है। और मैंने यौन शोषण को लेकर एक बात कही कि यौन शोषण का झूठा आरोप लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ जो है सख्त कानून आए, और जो ऐसे आरोपों में, पोस्को के आरोपों में फर्जी कोई आरोप लगते हैं उनको सख्त, ऐसी महिलाओं को सख्त सजा मिले। और अगर कोई पुरुष व्यक्ति किसी महिला के साथ कोई गलत काम करता है और वो साबित होता है तो ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान होना चाहिए। और मैं साथ ही जो फर्जी आरोप लगते हैं, ताजा उदाहरण WFI के प्रधान ब्रिजभूषण के खिलाफ पोस्को का फर्जी आरोप लगा,